हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपना बेहद ही ख्याल रख रहे होंगे। बहुत छोटे से वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आज सीखने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही हेल्पिंग होगा ना सिर्फ आपके एकेडमिक एजुकेशन में बल्कि सभी कॉम्पिटिशन्स में, चाहे वो यूपी टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, बैंकिंग सर्विसेज का हो या फिर SSC का एग्जाम, जहाँ भी इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट है वहाँ ये सारी चीज़ें आपके बहुत काम की हैं। आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम नाउन से एडजेक्टिव बनाना सीख रहे हैं। इसका पहला नियम है शब्द के अंत में या फिर परिवर्तन के साथ दोनों बातें OUS जोड़कर हम नाउन से एडजेक्टिव में बदल लेंगे। कैसे? नंबर वन, डेंजर, खतरा, OUS जोड़ दिया, खतरनाक। नंबर टू, ग्लोरी, शान, वाई हटाया, आई लगाया, OUS जोड़ दिया, ग्लोरियस, शानदार। नेक्स्ट है स्टडी, अध्ययन, वाई हटा के आई लगाया, OUS जोड़ा, अध्ययनशील। नेक्स्ट है वर्च्यू, गुण, वर्च्यू में भी चेंज किया, वर्चुअस कर दिया, आई की जगह OUS लगा दिया सीधे, तो हो गया गुणवान। करेज, साहस, और करेजियस, OUS लगाया, साहसी। लास्ट है फेम, प्रसिद्धि, और ई हटा के OUS जोड़ा, फेमस कर दिया, प्रसिद्ध। नेक्स्ट रूल है शब्द के अंत में परिवर्तन अथवा बिना परिवर्तन एबल जोड़कर, क्लियर, एडवाइस, सलाह, एडवाइजेबल, सलाह देने योग्य, प्रॉफिट, प्रॉफिटेबल, लाभदायक, कंफर्ट, आराम, कंफर्टेबल, आरामदायक, वैल्यू, मूल और वैल्यूएबल, मूल्यवान। थोड़े थोड़े चेंज हुए हैं, वैल्यू में ई हटाकर हमने एबल लगाया है, कंफर्टेबल ऐसे ही जोड़ दिया है, प्रॉफिटेबल में कोई चेंज नहीं किया है और एडवाइजेबल में चेंज हमने किया है, क्लियर। नेक्स्ट एक और रूल है शब्द के अंत में टिक जोड़कर, इसमें भी चेंज कई बार करना पड़ता है, कई बार डायरेक्ट जोड़ देते हैं, जैसे ड्रामा, नाटक, ड्रामेटिक हो गया, लेकिन सिंपैथी, सहानुभूति, सिंपैथेटिक जब करेंगे तो चेंज करेंगे, क्लियर। नेक्स्ट रूल है लास्ट में फुल जोड़कर, फियर, भय, फियरफुल, भयानक, हार्म, हानि, हार्मफुल, हानिकारक, ब्यूटी, वाई हटाएंगे, आई लगाएंगे, ब्यूटीफुल। तो ये इसमें बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि शब्द में परिवर्तन करे बगैर भी हम ये जोड़ सकते हैं वर्ड्स, और अगर परिवर्तन करना पड़े तो भी ये चेंज कर लेंगे नाउन से एडजेक्टिव बनाने में। नेक्स्ट है अंत में LY जोड़कर, फिर ये अंडरस्टूड है कि शब्द में परिवर्तन करते हुए भी और बिना करते हुए भी, वीक, सप्ताह, वीकली, साप्ताहिक, लव, प्यार या प्रेम, लवली, प्यारा, मंथ, मास और मंथली, मासिक। फिर और है अंत में वाई जोड़कर, एयर, हवा, एयरी, हवादार, ईजी, ईज, सरलता, ईजी, सरल, ग्रीड, लालच, ग्रीडी, लालची। अंत में लेस जोड़कर, केयर, परवाह, केयरलेस, लापरवाह, बेपरवाह, यूज, लाभ और यूजलेस, बिना किसी काम का, बेकार, फियर, भय और फियरलेस, निर्भय। नेक्स्ट रूल है शब्द के अंत में EN जोड़कर, अर्थ, पृथ्वी, अर्थन, मिट्टी का, वूल, ऊन, वूलन, इसमें LL हो गया, तो चेंज के वक्त करे बगैर भी EN जोड़ सकते हैं और चेंज करने के बाद भी कुछ वर्ड्स में EN जोड़कर हम एडजेक्टिव बनाएंगे। देन अंत में ICAL, इकल जोड़कर, क्लास, वर्ग, क्लासिकल, वर्गीय, प्रैक्टिस, प्रयोग, प्रैक्टिकल, प्रयोगात्मक। अंत में ISH, इश जोड़कर भी, जैसे बुक, पुस्तक, बुकिश, पुस्तकीय, किताबी, फूल, मूर्ख, फुलिश, मूर्तापूर्ण। कुछ और सफिक्स भी हैं जिन्हें जोड़कर हम नाउन से एडजेक्टिव में चेंज करते हैं, जैसे इंडिया, भारत, इंडियन, भारतीय, ईस्ट, पूर्व, ईस्टर्न, पूर्वी, पर्सन, व्यक्ति, पर्सनल, व्यक्तिगत, प्राइड, घमंड और प्राउड, घमंडी। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। इंग्लिश बाय S. Goswami। बाय।